नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। आज शिवरात्रि का दिन है, इसको लेकर पटना के शिव मंदिरों में भक्तों का भारी भीड़ उमड़ पड़ा। श्रद्धालु जो है कि पटना के शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने आए। हम जब शिवरात्रि के विषय में पुजारी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये देवों के देव महादेव का पूजा जो अनादि काल से चला आ रहा है, ये सभी के देवता और शिव से बड़ा न दुनिया में कोई गुरु हुआ है न होगा। पार्वती जी इनको प्रसन्न करके आज इनका विवाह समारोह है जो शिवरात्रि के उपलक्ष में किया जाता है त्रयोदशी के रोज, जो हम लोग आज करबिगहिया काली मंदिर में कर रहे हैं। तो सुना, और हम जब श्रद्धालुओं के से बात किया तो उन्होंने साफ रूप से यह कहा कि भगवान शिव की आराधना करने से दिल और आत्मा की शुद्धि होती है। आप भी सुनिए श्रद्धालु क्या कुछ कहे हैं। शिवरात्रि पूजा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, हम लोग भोले बाबा से भी अपना मन में श्रद्धा रखते हैं, भगवान पूरे करते हैं और ये अपने पति की लंबी आयु के लिए होती है। सभी महिलाएं और लड़कियां करती हैं इस व्रत को और इसे हर महीने में भी यह व्रत किया जाता है। आज तो उनका शादी ही है, एनिवर्सरी, इसलिए इसे और अच्छा से उनका एनिवर्सरी को मनाते हैं आज। इसलिए हम लोग धूमधाम से आज शिवरात्रि को दिन पूजा करते हैं, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा पर्व है। शंकर जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है। शिवरात्रि पूजा इस साल पर आशीष को बहुत महत्व माना जाता है। फागुन के महीने में ये होते हैं, शंकर जी का ब्याह होता है और हर सुहागी लोग करती है अपना पति का लंबा उम्र के लिए। इससे शंकर जी का आज ब्याह हुआ है, पूजा पाठ हो रहा है उसका, रात को ब्याह होगा, शिव विवाह होता है। आज जिस तरह भगवान शिव की आराधना करने का समय यानी आज शिवरात्रि का दिन है, इसको लेकर बिहार और बिहार के बाहर भी बोला जा सकता है पूरे देश में शिवरात्रि का माहौल जो है भक्तिमय सा हो गया है। तब तक के लिए देखते रहें एलआर न्यूज 24x7। कैमरा पर्सन सद्दाब खान के साथ सौरभ शर्मा, पटना।